जय भीम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों भी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नटवर डी किले पर जो अवैध सड़क का निर्माण हो रहा था उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और यह एक बहुत अच्छी खबर है। जाम देने वाले शिवम पासी और योगेश पासी को दिल से सल्यूट, अपने समाज के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए और इस काम को पूरी तरह से रुकवाने के लिए कौशल यूथ ब्रिगेड की टीम को सल्यूट है। और सांसद जी हमेशा अपने समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, उनको भी सल्यूट है। आप लोगों की वजह से आज एक अपने समाज के काफी अवैध निर्माण में जा रही थी उसको बंद करवा दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ये हमारी एकता को दर्शाती है। तो सभी समाज के व्यक्तियों को दिल की गहराइयों से सल्यूट है आप सब लोगों को एकता दिखाने के लिए। और दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्रशेखर रमण की। अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे चंद्रशेखर रमण के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं, अरेस्ट चंद्रशेखर रमण, जिसका फोटो आप देख सकते हैं। दोस्तों की जहां तक कि मेरा अपना मानना है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद वह चाहे जितना छोटा नेता हो चाहे जितना बड़ा नेता हो, वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इस पर चंद्रशेखर रावण ने सफाई देते हुए कहा है कि इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, ये फर्जी है और ये पोस्ट मेरी नहीं है, मेरे द्वारा की गई नहीं है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण सही कह रहे हैं कि इस मुकाम पर पहुँचने के बाद कोई भी व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो भी महिलाओं के खिलाफ। और चंद्रशेखर रावण ये दिखता रहता है उनका कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं उनका जो गलत है गलत को गलत बोलूँगा। इस पर आप लोगों को क्या बोलना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और दोस्तों दूसरा मुद्दा मैं आपको बताने वाला हूं मोहनलालगंज का, जहां पे कुछ चमारों को और लोधी को ब्राह्मणों द्वारा मारा गया था। उनको गंजा करके जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया था पूरे गांव में। कारण क्या था? जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि ये लोग रात में जो है चोरी करने के लिए घर में कूदे थे, ऐसा वहां के लोगों के द्वारा हमें पता चला। और तब घर के लोगों ने, जो कि ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने पकड़ के इनको मारा पीटा और जूतों की माला पहनाया और गांव में घुमाया, जो कि गलत है, जो कानूनी तौर पे गलत है। अगर वो चोरी करने गए थे तो उनको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी, उनको FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। वहीं पे भीम आर्मी वहां पे पहुंचती है, वो लोगों को गुमराह करती है। भीम आर्मी के लोग ये मैसेज फैलाते हैं कि चमार दलित लोगों को जूता की माला पहनाकर घुमाया गया। कारण नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ ये अफवाह फैलाई कि लखनऊ में दलितों को जूता की माला पहनाकर गंजा करके घुमाया गया। उसका कारण नहीं बताया लोगों को, कारण यही था कि वो लोग वहां चोरी करने गए थे। चंद्रशेखर रावण की जो टीम है वो जब देखती है कि दलितों पर ब्राह्मण या क्षत्रिय उनको मारता है पीटता है तो वो सामने आता है। अब मैं बात करूंगा जौनपुर की, जहां पे कुछ मुसलमानों ने दलितों के घर जला दिए, दलितों के घर जला दिए। और दलितों के घर जलाने से पहले जो उनके नल लगे थे उन नलों को उखाड़ के फेंका कि जब उनके घर जले तो उनको पानी ना मिल पाए, ऐसा किया था वहां के मुसलमानों ने। अब चंद्रशेखर रावण क्या कहता है? चंद्रशेखर रावण कहता है कि यह बीजेपी की साजिश है। चंद्रशेखर रावण अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहता है कि मुसलमानों, वहां के मुसलमानों ने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहता है कि यह RSS बीजेपी की एक चाल है और जो दलित और मुसलमानों के बीच में यह लड़ाई लगवाना चाहते हैं।
ये बहुजन की एकता को तोड़ना चाहते हैं। मेरे भाई, बहुजन की एकता में तुम इतने अंधे ना हो जाओ कि गलत को गलत कहने में तुम्हें शर्म आए। आंखें खोलो, गलत को गलत बोलो, जो गलत है गलत बोलो उसको, चाहे वो चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे मुसलमान हो। वहां पे उन लोगों ने लोगों के घर जलाए, कई जानवर, कई लोगों को वहां पे समस्याएं हुई। आप सपोर्ट करते हो उनको, मुसलमानों को? मुसलमान आपकी पार्टी में है तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, ये गलत चीज है। उस पर जब मौजूदा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आप कहते हो कि यह सरकार गलत, उनपे कार्रवाई ही नहीं। तो आप ही बता दो वहां पे क्या होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण, ये मैं आपसे सवाल करता हूं। और जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि भीम आर्मी की टीम भी नटवा डी पर पहुंची थी, तो नटवा डी का जो कार्यक्रम था, जो वहां पे अवैध निर्माण कर चल रहा था रोड पे, वो कौशल किशोर यूथ ब्रिगेड और कौशल किशोर सांसद जी स्वयं द्वारा उस कार को रोक दिया गया था। उसके 2-3 दिन बाद भीम आर्मी वहां पहुंचती है सिर्फ दिखावा करने के लिए, समाज का दिखावा करने के लिए, समाज में दिखावा करने के लिए, हाँ मैं काम कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण की टीम। मौके पे नहीं पहुंचती है कभी। मौके पे आप चिल्लाते रहो, कुछ करते रहो, इनके कानों में जू नहीं रेंगने वाली। हाँ, अगर कहीं ठाकुर ने चमार को मार दिया, पासी को मारा तो कोई बात नहीं, और किसी कास्ट को मारा कोई बात नहीं, अगर किसी ठाकुर ने, ब्राह्मण ने चमारों को मार दिया तो चंद्रशेखर रावण तुरंत दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। दलितों को मारा, वाह क्या बात, बहुत सही। और देखने वाली बात यह है कि वो बात मैंने बताई थी आपको जो स्टार्टिंग में, कि ब्राह्मणों द्वारा चमारों को, जो ब्राह्मणों के घर चोरी करने गए थे, उनको पकड़ा गया, घुमाया गया, उस पर भीम आर्मी पहुंची और ब्राह्मणों को खिलाफ FIR हुई, उनको बंद करवा दिया गया। इस पर जो संविधान हमें ताकत देता है, हमें जो संविधान हमारे लिए है, वही संविधान उनके लिए भी है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने लोगों को समझाएं, वो ऐसा कर्म क्यों करते हैं, चोरी क्यों करने जाते हैं लोगों के घर, आखिर उनके हालात क्या है कि उनको चोरी करनी पड़ रही है। पहली बार आप इस पर काम नहीं करते हैं। दलित समाज का जो व्यक्ति, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन पूरे लखनऊ में जो चमार जूता पॉलिश करता था, वो चमार आज भी जूता ही पॉलिश कर रहा है। चंद्रशेखर रावण हो चाहे मायावती हो, आकर पता कर लेना, जो चमार जूता पॉलिश कर रहा था, वो चमार आज भी जूता ही पॉलिश कर रहा है। हाँ, ये बात और है कि मायावती के अगल बगल इलाकों में जो जाटों रहते हैं, उनकी रहन सहन की स्थिति में सुधार आया है, और वो खुद आपको पता है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा, मुद्दे तो कई हैं। अभी चंद्रशेखर रावण जी ने वहां दिल्ली में रविदास जी का मंदिर बनवाया, और उस रविदास जी के मंदिर में सुनिए क्या हुआ। जब वहां पे भीम आर्मी के लोग भीम जयंती के लिए गए, तो रविदास मंदिर वालों ने कहा, भाई मंदिर परिसर में हम आपको बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने देंगे, आप बाहर मनवाओ, मनाओ। तो ये जो इनकी टीम है, इनमें भी आपस में बहुत ज़्यादा फूट है। एक जो मनीवाद को मानती है और एक जो बाबा साहब को सपोर्ट करती है। ये हर जगह एकता वेकता कहीं नहीं, हर समाज में आज, यही पासी में भी है। तो जैसा कि सबको पता है, वहां पे मंदिर बनाया गया। भाई मंदिर क्यों बनवाया गया, पहले ये बताओ, मंदिर क्यों बनाया गया, और मंदिर में पुजारी भी है इनके, मतलब ये आप देखिए मनुवादी व्यवस्था का सिर्फ रूप बदलना चाहते हैं। अब ये शादी भी करवाएंगे ना, तो बाबा साहब की फोटो रख लेंगे और उन्हीं के आगे वही मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से शादी करते हैं, बाबा साहब की फोटो रख के। ये गलत है, ये मनुवादी व्यवस्था का रूप बदलना इसे कहते हैं। आप नए पुजारी, तुम अपने पुजारी बनाना चाहते हो, लूटने वाले पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो। तुम मंदिर में पूजा करने के लिए रविदास का मंदिर बनवाए, मंदिर में पूजा ही तो होगी, और वाल्मीकि जी का मंदिर बनवाया, उस मंदिर में पूजा ही तो होगी, और बाबा साहब हो चाहे गौतम बुद्ध हो, सब पाखंडवाद के खिलाफ थे, पूजावाद के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और आज यह भीम आर्मी और बहुजन जो 85 का मिशन चलाते हैं, ये सब वही कर रहे हैं।
अगर आप बाबा साहब को मानने वाले होगे, बाबा साहब को मानने वाला आदमी अगर शादी करेगा तो बाबा साहब ने शादी का प्रस्थान पूरा कोर्ट के तहत रखा है। आप कोर्ट में जाइए, वहां पर आपकी संवैधानिक रूप से शादी करवाई जाएगी। लेकिन नहीं, हमें तो बाबा साहब की मूर्ति रख के, हमें तो वही मनुवादियों के हिसाब से शादी करनी है, सिर्फ थोड़ा फोटो में जो है हमें बदल देनी है, वही राम जी की हटा के बाबा साहब की रख देनी है। गलत है, बाबा साहब इसके खिलाफ थे, कभी इसके सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन ये जो चमार जात के लोग हैं जो कि झूठा दिखावा करते हैं, मैं सबका, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मुझे भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, जो जानते हैं इस चीज़ को वो मानते हैं, लेकिन जो उस व्यवस्था में फंसे रहना चाहते हैं वो फंसे रहना चाहते हैं, वो चाहे मेरे समाज का हो चाहे वो आपके समाज का हो, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाला होगा इन सब पाखंडवाद से दूर रहेगा। भाई आपने तो वहां पे जाके जो है मूर्ति बनवा दी, आपने पार्टी बना ली है, भाई वोट आएगा। आप वहां पे जाके बोलते हो कि मुस्लिमों ने बहुत अच्छा काम किया दलितों का घर जला के, भाई आपको तो उनका वोट लेना है, बहुत अच्छी चीज है। आप इसी तरह करते रहिए और मैं आप लोगों को अपना दर्द बताता रहूंगा, जो मेरा दर्द है, ये मेरा कार्य है और मैं इसको करता रहूंगा। चंद्रशेखर भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, जहाँ पे आप अच्छे हो वहाँ मैं आपका सपोर्ट करूँगा, और जहाँ मुझको लगेगा थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश ना करूँ। मेरा मतलब, मैं अब तक देखता आया था, मैं सोचता आया था, मैंने काफ़ी चिंतन किया, लेकिन मुझे लगा कि आप कुछ करना चाहिए तो मैं कुछ करता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, लोग, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, बस वही अच्छा लगेगा मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। आगे आने वाले विषयों में मैं चर्चा करूँगा कि असली मूल निवासी कौन है, और असली बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन है, और मैं आपको चर्चा करूं बताऊंगा। आजकल आप फोटो देख रहे होंगे, बहन जी आजकल बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, याद से नहीं हो रहा, तभी से हो रहा जब पहली बार सरकार बनी थी। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों यही था वीडियो में, और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे जो गलत लगता है मैं गलत का विरोध करता हूं। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। फिर मिल